हेलो गाइस, आज तारीख़ है आपकी 2 मई 2022, मंडे का डे है। मैंने जो एनालिस्ट आपको बताया था मंडे के लिए कि मार्केट गैप डाउन ओपन हो सकता है, तो गैप डाउन ही ओपन हुआ है। आइए चार्ट पे जाते हैं सीधा। मैंने एक ट्रेड ली हुई थी पहले पुट की, मेरे को पता था कि शायद गैप डाउन हो सकता है तो मैंने ले लिया था। तो अभी बैंक निफ्टी देखो आप, करेंटली 460 अंक गैप डाउन खुला है, मतलब कि आपको लगभग 350 पॉइंट मिल सकते हैं अगर मार्केट डाउन होते के साथ ही नीचे भाग जाए, मतलब ये वहीं पे रहे। मार्केट खुला है, बैंक निफ्टी खोलता हूँ मैं एक बार और उसको बंद भी कर लेता हूँ। ओके जी, तो हमने अनुमान तो यही लगाया था भाई साहब कि 35200 से 35700 के बीच में यहीं कहीं खुलना चाहिए और खुल भी गया, ठीक है जी। और मार्केट अगर 35500 को अब क्रॉस करेगा तो एक नीचे की साइड ट्रेड बन सकती है, जिसका मैं वेट भी करूँगा, ठीक है। मार्केट खुलेगा, अभी मैंने एक ट्रेड ले रखी है, अभी आपको दिखाऊंगा उसकी पोजीशन क्या है क्या नहीं है। मार्केट अगर खुलते के साथ ही 35700 को ऊपर साइड क्रॉस करेगा तो वो हो जाएगा हमारे लिए अगेंस्ट, तो मैं वहाँ पे निकल जाऊँगा, ठीक है। वहीं अगर 512 के नीचे चला गया तो मैं उसको बने रहूँगा उसके अंदर, ठीक है। तो ये सीन है। अब मैं दिखाता हूँ आपको अपनी पोजीशंस। तो ये है मेरी, मैं दो क्लाइंट की ट्रेड ले रखी थी गाइस। इस वक्त मैंने बस ज़्यादा अकाउंट नहीं ले रखे, वैसे तो काफ़ी अकाउंट्स हैं पर मैंने अपने अंडर में बहुत कम ले रखे हैं। मैंने पुट की साइड ट्रेड ली हुई थी और कॉल की साइड भी। ये वो क्लाइंट्स है गाइस, आप मेरे जो क्लाइंट देख रहे हो मैं बता दूँ, ये वो क्लाइंट्स हैं जिनके बहुत ज़्यादा लॉस हुए हुए हैं, तो बैलेंस करने के लिए आपकी ट्रेड नहीं ली गई थी, इनकी ट्रेड ली गई थी। अगली बार से सबकी ट्रेड एक साथ ली जाएगी, ठीक है। कुछ टाइम ऐसा था कि इनकी ट्रेड गलती से रह गई थी या कुछ हो गया था, तो इसलिए अब आपकी ट्रेड भी ली जाएगी, सबकी ट्रेड एक साथ ली जाएगी, ठीक है। वैसे मैं कम ही ट्रेड लेता हूँ, महीने में 3-4 बार ही लेता हूँ, बस हम तो काम चला रहे हैं अपना। और एक अकाउंट में ट्रेड ओले रखी है, वो है क्रोम पे। एक ये है गाइस, पुट की साइड ज़्यादा क्वांटिटी है, कॉल की साइड आधी क्वांटिटी थी, ताकि कॉल की साइड मैं इसलिए ले लेता हूँ ताकि अगर मार्केट अपने अगेंस्ट भी खुले तो हमें ज़्यादा लॉस ना हो, पूरा अकाउंट खाली ना हो जाए, ठीक है। अब बस मुझे वेट है, 9:12 का टाइम तो हो चुका है, मुझे वेट है 9:15 होने का। 9:15 पे पता लग पाएगा कि मार्केट कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा। मैं खोलता हूँ अपना यही चार्ट, देखो कितना अच्छी तरीके से प्राइस एक्शन काम करता है। कल मैंने आपसे कहा था कि एडजस्ट निफ्टी देखो यहाँ पे अब 201 नेगेटिव है, कल 166 अंक के आसपास नेगेटिव थी जब मैं एनालिस कर रहा था, तो मैंने साफ कहा था कि 200 अंक लेके चलते हैं मोटा मोटा, तो 400 अंक बैंक निफ्टी, 200 से 400 अंक बैंक निफ्टी नेगेटिव हो सकता है और निफ्टी भी इतना ही खुल सकता है 100 से 200 अंक। और मार्केट अगर 750 के आसपास खुलता है तब आपको 750 के टूटने पे 512 का वेट करना है, और अगर मार्केट यहीं कहीं खुलता है 512 से 751 के बीच में तब आपको 512 के ब्रेक होने का वेट करना है। अब भी मैं यही करूँगा, अगर मार्केट 751 के ऊपर निकलता है तो मैं वहाँ से सब कुछ स्क्वायर ऑफ कर दूँगा, ठीक है। वहीं अगर 512 के नीचे निकलेगा तो मैं थोड़ा होल्ड कर लूँगा, सिंपल है। देखते हैं, अभी 2 मिनट शेष बचे हैं, अभी एक हफ्ता का इसमें ट्रेडिंग नहीं करने का क्योंकि मैं अपने किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, तो अगले मंडे से मेरी लाइव ट्रेडिंग वीडियो आया करेगी। ये तो मैंने ट्रेड ले रखी थी तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि क्लाइंट का काम पहले होता है अपनी ट्रेड लूँ ना लूँ, जिन्होंने मैंने मुझे भरोसे पे अपना अकाउंट दिया है। लोग मेरे को मेरी एक शर्त रहती है क्लाइंट के अकाउंट हैंडलिंग के लिए कि भाई मैं तो आपका हैंडल कर सकता हूँ, अब कोई कुछ मांगते हैं, रिपोर्ट मांगते हैं, ये मांगते हैं, वो मांगते हैं, सर बात करवाओ क्लाइंट से, ये करवाओ, वो सब पॉसिबल नहीं हो पाता। मैं सामने से कहता हूँ कि किसी अकाउंट हैंडलिंग वाले का यूट्यूब चैनल नहीं होता, और मेरा यूट्यूब चैनल है, सबसे बड़ी बात ये है। मैं सामने से कह रहा हूँ कि मैं ये टेक्निक अपनाऊँगा, ये टेक्निक करूँगा, और मैं सामने से बताता भी हूँ कि देखो मैंने ये ट्रेड ली है, मतलब जैसे कि 3:15 के आसपास मैं BTST ट्रेड लेता हूँ तो मैं तुरंत अपडेट दे देता हूँ कि मैंने ट्रेड ले ली है। ऐसा कोई बंदा आपको मार्केट में नहीं मिलने वाला। फिर भी अब मेरे पास क्लाइंट्स की कमी कोई नहीं है, पर फिर भी मेरे पास संभालने वाले की कमी है, मैं तो अधिकतर के अकाउंट ले भी नहीं पा रहा हूँ। सो बस यही वेट है अभी मेरे को कि कोई, अभी मेरे को टीम दोबारा बनानी पड़ेगी, जो टीम है मेरे पास उनके पास ऑलरेडी बहुत सारे अकाउंट्स हैं, अभी तो मैं सबके अकाउंट ले भी नहीं पा रहा, इसलिए तो देखते हैं अभी टीम बढ़ेगी तो मैं और अकाउंट न्यू फ्रेश अकाउंट मिलूँगा। वैसे सेबी द्वारा बैन है पर एडवाइस तो हम कर ही सकते हैं, और एडवाइस भी ऐसी होती है कि एजुकेशन पर्पस। मेरे पास कोई रजिस्टर्ड पर्सन तो हूँ नहीं ना, तो कोई भी ऐसे मेरे पास कोई एग्रीमेंट नहीं होता ना कुछ होता है,
चलो फिलहाल उसके बाद में करेंगे। 9, 14, 55 देखते हैं क्या होता है गाइस। ओके देखो वहाँ के ठहर गया बीच में आके, ये तो ऊपर की तरफ ही निकल रहा है गाइस। इस अच्छा है निकल जाओ, निकल जाते हैं गाइस, बड़ा यार प्रॉफिट है, लेके निकल जाओ ऐसे ही से निकल जाते हैं क्रोम में से पोजीशंस। ये रिफ्रेश नहीं हुआ भाई साहब, अरे ये क्या हुआ है, मगर कहाँ गए एकदम से क्या डेस्टिनेट वेट। ओहो काफ़ी रिकवरी आ चुकी है देख रहे हैं आप। इतनी देर में मैंने देखो बुक किया, उतनी देर में तो वो मगर ऊपर ही भाग गई। वाह ये होता है स्टॉक मार्केट कमाल, मार्केट कैसे रिकवरी की है। अब रिफ्रेश होने वाला इसको, वाह मतलब कि मैंने एक अकाउंट में मैंने कितना बुक किया 12,000 रुपये, और दूसरे अकाउंट में वही प्रॉफिट बुक हुआ है कम 5,000 रुपये। देखो मैंने आपके सामने बुक किया है, अकेला बंदा हूँ, तब भी मेरे को ज़्यादा मैंने जल्दी बुक नहीं कर पाया, तो ये होता है स्टॉक मार्केट की वॉलेटिलिटी। फिर भी कोई लॉस में बुक नहीं हुआ मेरा। ओके जी तो मार्केट ने कभी दिखाई तो है, यहाँ पे कॉल की एक ट्रेड बन चुकी है, पर हो सकता है कि यहाँ से आगे वापस रिट्रेसमेंट कर 36,000 रुपये आके वापस नीचे भाग जाए, यही एक जोन है देखते हैं। चलो तो वो तो बाकी ट्रेडिंग की बात है, फिलहाल मेरा काम ख़त्म हो चुका है। मैंने आपको दिखाया कि BTST ट्रेड मैंने कैसे ली, BTST ट्रेड मैंने कैसे ली थी, मैंने कहाँ बताया यार सुनो मैंने ट्रेड ऐसे ली थी गाइस, ऊपर देखो मार्केट ने सडनली 1.25 के आसपास फॉल किया था, ठीक है। जब भी मार्केट 1.25 या 12.5 के आसपास से फॉल करे लास्ट के 1-2 घंटे के अंदर सेकेंड हाफ में, अगर 1-2 घंटे में बहुत ज़्यादा फॉल कर जाए जैसे कि यहाँ पे किया 35,700 से सीधा 36,700 से सीधा 36,000 पे आके बंद हुआ, और लास्ट में भी एक नेगेटिव कैंडल बनाया गया, ऐसा बहुत कम होता है। तो जब भी ऐसा हो आप एक BTST ट्रेड ले सकते हैं, और शर्त यह है कि वो डे के लो पे बंद होना चाहिए। मैंने एक BTST ट्रेड BTST की वीडियो बनाई थी, मैंने सुंदर यह बताया था आपको साहब कि मार्केट अपने डे के लो के आसपास बंद होना चाहिए, अपने नियरेस्ट रेस्ट सपोर्ट के आसपास बंद होना चाहिए, जो कि यहाँ पे हुआ भी था, ठीक है। सपोर्ट के आसपास बंद हुआ, साथ में अपने डे के लो पे आ गया बंद हुआ, और मार्केट में अच्छा खासा फॉल दिखा, तो ये 2-3 चीज़ें देखनी पड़ती है तब आप BTST ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। ये था लॉजिक BTST ट्रेड का, और मैंने प्रॉफिट बुक किया भी। कोई भी क्वेरी हो आप YouTube पे कमेंट कर सकते हैं, ताकि सब भी आप क्वेरी देख पाएँ और सॉल्यूशन भी देख पाएँ। अपना कीमती समय देने के लिए पूरे दिल से धन्यवाद गाइस।